माघ मास पर स्नान की इच्छा से जिस दिन किसी तीर्थ स्थान पर पहुंचे उस दिन उपवास करना चाहिए, अगले दिन श्राद्ध और दान करना चाहिए। प्रतिदिन ब्राह्मणों को यह 9 चीजें दान करनी चाहिए, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: बेर, केला, आंवले का फल, 1 किलो घी, 1 किलो तिल, 16 किलो चावल, पान, काशी फल अथवा पेठा और खिचड़ी। माघ महीना बिना कोई धर्म कार्य किए व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कुछ भी न दे सके तो मात्र माघ स्नान कर सकते हैं, किंतु यदि देना चाहे तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार थोड़े में से थोड़ा देना चाहिए। कुछ भी न देने से थोड़ा देना भी श्रेष्ठ है। जब थोड़ा थोड़ा सूर्योदय होने लगे तब माघ स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही हमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना भी जरूरी है। तीर्थ स्थान पर यदि सहयात्री या किसी से कोई झगड़ा फसाद हो जाए तो कृपया शांति बनाए रखें, क्रोध न करें, नहीं तो पूरा पूरा फल नहीं मिलता। इन दिनों सदैव सत्य बोलें। ब्राह्मणों और सन्यासियों को स्वादिष्ट पकवान मिष्ठान भोजन करवाएं। सर्दी से रक्षा के लिए सूखी लकड़ी दान करनी चाहिए। वूलन कपड़े, बेड, गद्दा, मोटी रजाई, कंबल, मुलायम जूते विशेष रूप से ब्राह्मणों और विवाहित बहन बेटियों को देने चाहिए। दक्षिणा देना कभी नहीं भूलें, अन्यथा किया हुआ सारा दान व्यर्थ हो जाएगा। ब्राह्मणी को श्रृंगार का सारा सामान दान करना चाहिए। सास को साड़ी, आभूषण, फल, मिठाई और सूखे मेवे देना चाहिए। गाय को गुड़, तिल, मिले हुए मीठे चावल खिलाने चाहिए। भगवान नारायण की भांति भांति के नैवेद्य, अगर, कपूर, धूप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक किया गया माघ स्नान पुत्र, मित्र, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष सभी मन चाहे फल देता है।